अमूमन लोग टाइगर या बड़े एनिमल को फोकस करते हैं, तो उसके जब उस पर फोकस करते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें छूटती रहती हैं। जैसे आप लोग म्यूज़िक सुनते हैं ना सिटी में, हम लोग इन पक्षियों की इनकी आवाज़ सुन के म्यूज़िक इंटरटेन करते हैं। जहाँ वो लकड़ी गिरी हुई है उसके बगल में देखिए पानी के अंदर से एक पेड़ उसके ऊपर है, वो क्रोकोडाइल है। बाद में पता चलता है, जैसे ही जब ऊपर की तरफ और जीप के पीछे हिट करती है ना तो पता चलता है बहुत दिखी। जितना आप शोर करेंगे जानवर के दिखने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। इंडिया जैसी कंट्री में जहां हर 100 किलोमीटर पे लैंग्वेज, लैंडस्केप, कल्चर और फूड सब चेंज हो जाता है, वहां सरप्राइजेस की तो कोई कमी नहीं हो सकती। बट येट देर आर सम प्लेसेस विच आर नॉट ओनली अ सरप्राइज फाइंड बट दे ऑल्सो लीव अ स्पेल बाउंड। अब नेशनल पार्क्स की बात हो तो हमेशा कॉर्बेट, कान्हा, रणथंबोर, बंदीपुर या काजीरंगा जैसे ही नाम ध्यान में आते हैं, बट कभी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पर्सपेक्टिव से यूपी के बारे में सोचा है? लोकेटेड इन द लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट नियर द नेपाल बॉर्डर इन उत्तर प्रदेश, दुधवा नेशनल पार्क इज वन ऑफ द प्रॉमिसिंग प्लेसेस टू विजिट फॉर वाइल्ड लाइफ एंड नेचर लवर्स। Encompassing an area of 800 square kilometers, the park was established in 1958 as a wildlife sanctuary for swamp deer, aka Barasingha. Then in 1977, after the continuous efforts made by the famous hunter turned conservationist Billy Arjun Singh, Dudhwa got the status of a national park. And a decade later, it became a part of Project Tiger and was officially declared as Dudhwa Tiger Reserve. हम लोग जहाँ enter करने जा रहे हैं सर, ये रूट नंबर 1 है। दुधवा टाइगर रिजर्व में 3 रूट्स डिवाइड किए गए हैं टूरिज्म में सफारी के रिगार्डिंग, जिसमें ये रूट नंबर 1 है और दुधवा टाइगर रिजर्व का ये बहुत फेमस रूट है। हमारा जो दुधवा टाइगर रिजर्व है वो 884 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें से ये जो आपका एक रूट है। दुधवा टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले 5 तरह के डियर परिवार हैं। इसके अलावा यहाँ पे 5 तरह की कैट्स हैं, जिनमें 2 बड़ी कैट्स हैं और 3 छोटी कैट्स हैं। जो बड़ी कैट्स है वो टाइगर है, दूसरी जो बड़ी कैट है वो आपका लेपर्ड है, उसके अलावा जो 3 छोटी कैट्स हैं उसमें जंगल कैट, फिशिंग कैट एंड लेपर्ड कैट, ये 5 कैट्स फैमिली हैं। और यहाँ का जो फॉरेस्ट है आप देख रहे हैं, ये टीक फॉरेस्ट है। दुधवा टाइगर रिजर्व का जो फॉरेस्ट हैबिटेट भी है वो हमारा साल फॉरेस्ट बेसिकली यहाँ फेमस ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ पर ग्रास हैबिटेट काफ़ी अच्छा है, वेटलैंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। देखते हैं सर आपको क्या आगे दिख पाता है और क्या अच्छा होता है। होता क्या है ना सर कि जब हम सफारी के दौरान जाते हैं तो हमारा जो फोकस होता है, अमूमन लोग टाइगर या बड़े एनिमल को फोकस करते हैं, तो उसके जब उस पर फोकस करते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें छूटती रहती हैं, तो उससे क्या जो जर्नी है सफारी है वो आपकी इंटरेस्टिंग नहीं हो पाती है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें नेचर में देखेंगे तो आपको और भी खूबसूरत और रोचक हो जाती है। देखिए ये टर्माइट हाउस है, इसको दीमक का घर बोलते हैं। इसकी खास बात होती है जितना ये आपको ऊपर से दिख रहा है इतना ही डाउन साइड होता है। ये नीचे की मिट्टी को ऊपर ले जाकर लेप कर रहा है और ये एक तरीके का नेचुरल सीमेंट है, बहुत ही मजबूत होता है। जैसे होता है हम लोग जब जैम ब्रेड में लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं सर, तो जब जैम ख़त्म होने लगता है तो जाहिर सी बात है वो नीचे, तो हम लोग क्या करते हैं स्पून से इसको यूज़ करते हैं, खुरसते हैं। वैसे ही समझ लीजिए कि टर्माइट को खाने के लिए, दीमक को खाने के लिए भालू करता क्या है, लकड़ी भी डालता है इसमें, ऐसे ऐसे करके डालता है उसको, तो उसमें जब चिपक जाते हैं तो उसको चाट लेता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है इनकी लाइफ भी। सोनू नोज दुधवा लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड, और इस जंगल के साइट्स और साउंड्स ऑब्जर्व करने के लिए वी नॉट ओनली नीड समवन हु इज नॉलेजेबल बट आल्सो समवन हु इज सो पैशनेट टुवर्ड्स शेयरिंग ऑल दैट नॉलेज। सर आप जो रेड फ्लावर, ये व्हाइट फ्लावर देख रहे हैं, ये भाट है, ये मेडिसिनल प्लांट है। एक्चुअली टाइगर रिजर्व में तो इसका सैम्पलिंग नहीं होता है, लेकिन दुधवा टाइगर रिजर्व के आसपास ट्राइबल्स विलेज हैं, लोग ट्राइबल्स लोग रहते हैं। देखिए सर ऐसा है ना, मॉडर्न कल्चर में लोग मेडिसिनल बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आई हैं, लोग उसको यूज़ करते हैं, लेकिन ट्राइबल्स लोग आज भी इन पौधों से काफ़ी कुछ अपने आप को ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। तो ये भाट आउटसाइड में मिलता है, ये भाट है, और ये जो है जैसे बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो इसको गर्म पानी में डालकर इसको यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट कॉमन है ये, आपको हर जगह पूरे तराई में हर जगह मिलेगा, टाइगर रिजर्व के अंदर भी मिलेगा, टाइगर रिजर्व के बाहर भी मिलेगा। टाइगर रिजर्व के अंदर तो बैन है, आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, प्लांट्स नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये
किसी एनिमल का फूड है, किसी एनिमल का घर है, बट आउटसाइड में इसको लोग, जो ट्राइबल्स लोग खासकर, इसको मेडिसिन के उसमें यूज करते हैं। दुधवा बोस्ट्स ऑफ अ यूनिक तराई जंगल इकोसिस्टम। तराई जंगल रीजंस आर फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयस इन इंडिया, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। A Terai region is a marshy grassland which is a perfect habitat for mammals like rhinos, elephants, bears and swamp deers. ये सर बाकेताल है, बाकेताल तो ये पूरा ही एरिया कहलाता है। ये मचान नंबर दो है, इसको डिवाइड किया है मचान 1, 2, 3 ऐसे करके। तो ये मचान नंबर दो है। ये एरिया जो है यहाँ पे पानी वाला एरिया है, स्वैम्पी एरिया है। यहाँ पे बारहसिंघा रहते हैं, परमानेंटली बारहसिंघा रहते हैं। ये बारहसिंघा का ये प्राइम हैबिटेट है। अच्छा जी, तो अभी फिलहाल बारहसिंघा इस साइड नहीं है, उधर साइड में है, क्योंकि ये पूरा एरिया काफ़ी बड़ा है, आप देख रहे हैं पूरा ग्रासलैंड है। गर्मियों में यहाँ पे जो हाथी वगैरह भी हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये पानी वाला एरिया है और यहाँ पानी कभी कम नहीं होता है। इसको नीचे देखिए सर, ये बड़ा घास है, उसके बाद वहाँ पे पानी है। जो पानी है तो वो घास लो गया, वो आपका पानी वाला वेटलैंड एरिया है। उसके अलावा फिर देखिए वहाँ पे थोड़ा पानी कम हुआ तो वो घास बड़ी हुई। उसके बाद देखिए वहाँ पे मिक्स्ड फॉरेस्ट आ गया। मिक्स्ड फॉरेस्ट के बाद जो बैक साइड जो दिख रहा है वो साल फॉरेस्ट है। देखिए हैबिटेट देखिए, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या डिफरेंट नेचर किस तरह से उसको एडजस्ट कर रहा है यहाँ के लेवल के हिसाब से। नेचर में क्या है ना सर, जैसे अभी आप ये देख रहे बुलबुल देखिए बैठी हुई है, तो इसका साउंड सुनिए आप, हर साउंड इंटरेस्टिंग है। कुछ कुछ ऐसा फील कराता है कि उसको अगर आप महसूस करेंगे तो उसमें भी एक म्यूज़िक है, अपने को रिलैक्स करने के लिए। जैसे आप लोग म्यूज़िक सुनते हैं ना सिटी में, हम लोग इन पक्षियों की, इनकी आवाज़ सुन के म्यूज़िक इंटरटेन करते हैं। यही खूबी है सर, आप ये चीज़ें ही तो हैं जो हमें सिटी से अलग करती हैं और नेचर के और करीब ले जाती हैं। ये चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, वो केवल और केवल जंगल में ही मिलेगा सर। सोनू की बातों से ये क्लियर था कि जंगल एक पूरा इकोसिस्टम है और जितना आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे उतना ही सीखते जाएंगे। प्लस ऐसे जंगल कम ही होते हैं जहां ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स और वुडलैंड्स एक ही साथ देखने को मिले। ये जो आपको सर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये घास टूटी हुई देख रहे हैं सर आप, ये यहाँ पे हाथी गए हुए हैं। देखिए सर, वाइल्ड लाइफ में क्या ना कि दो तरह का साइटिंग का एविडेंस होता है, एक डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष दर्शन देख लेना, और इनडायरेक्ट उनकी चले हुए या उनके फुटप्रिंट्स या उनके जो मार्क्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये चीज़ गए हैं। तो ये दूसरा है, आपको डायरेक्ट प्रत्यक्ष दर्शन तो अभी हुआ नहीं, तो ये अप्रत्यक्ष है, मतलब कि इनडायरेक्ट साइटिंग है। साइंस देखिए, ये जो रास्ते देख रहे हैं घास टूटी हुई है, ये इस पे हाथी गए हैं, क्योंकि हाथी पूरे ग्रुप में चलते हैं या एक दो भी चलते हैं तो कुछ ना कुछ उनका ऐसा वो छोड़ ही जाते हैं कहीं ना कहीं, जैसे वो घास को पूरा ऐसे करके उखाड़ेंगे, लेकिन पूरा घास नहीं खाएंगे, फिर उसको झाड़ेंगे, थोड़ा खाएंगे, आधा सॉफ्ट पोर्शन और बाकी फेंक देंगे। तो वो चीज़ें हैं ये बिखरी हुई हैं, क्योंकि जो एलिफेंट है वो सोशल एनिमल है, तरीके से फैमिली में जीता है वो। दूसरा क्या होता है, उनमें रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। उनको जो लीड करती है वो फीमेल एलिफेंट, जो दादी होती है। अच्छा, वो लीड करती है, लीड फीमेल करती है, तो रूल्स भी बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं होती है। तो जैसे कुछ शरारती बच्चे हो जाते हैं, मेल, बेसिकली मेल एलिफेंट्स अगर शरारती होते हैं तो वो उसको ग्रुप से कुछ दिनों के लिए बाहर कर देते हैं, कुछ दिनों के लिए। कुछ लोगों का नेचर होता है कि कुछ दिनों में सुधरने के बाद सॉरी भाई वापस हमें ले लीजिए, हम सही हो गए हैं, तो वो आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नहीं जी, हम तो एटीट्यूड में रहते हैं, नहीं जी हमें तो सुधरना ही नहीं, नहीं है। तो वो फिर अपना, जिसको हम लोग लोनर एलिफेंट बोलते हैं, मदमस्त एलिफेंट होता है, कभी मद में आके भी वो ऐसे चीज़ें करते हैं कि रूल के रूल्स, जो ग्रुप के रूल्स हैं उनको तोड़ने लगते हैं। तो उनको फिर सुधारने के लिए ग्रुप का रूल है कि ग्रुप उसे कुछ दिनों के लिए बाहर कर देता है।
सर ये क्रोकोडाइल पॉइंट है, यहाँ पे विंटर में बहुत सारे क्रोकोडाइल पानी के किनारे साइड में पानी के बाहर ही होते हैं, धूप सेकने के लिए आते हैं। आपको ये जो लकड़ी वगैरह दिख रही है जी, इसमें कहीं आपको कुछ नजर आ रहा है, कोई क्रोकोडाइल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? देखिए जरा, दिख रहा है क्या आपको कुछ पानी के ऊपर? जैसे जैसे जो जनरल बोट्स गिरी हुई है उन्हीं में देखिए, एक कोई लकड़ी जैसी चीज कोई है जिसका कलर उस लकड़ी से मैच कर रहा है। अब ये इसकी बात तो नहीं कर रहे आप? हाँ यहीं पर देखिए वो सर दिख रहा है आपको पानी में, वो देखिए उसकी जहाँ वो लकड़ी गिरी हुई है उसके बगल में देखिए पानी के अंदर से एक पेड़ उसके ऊपर है, वो क्रोकोडाइल है। नहीं नहीं यार वो लकड़ी ही है। नहीं सर वो क्रोकोडाइल है, वो आप उसको देखिए। देखिए सर कुछ चीजें होती है ना सर कि वो चीजें कहीं आपको किताबों में नहीं होती, वो चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। आप उस लकड़ी के कलर को देखिए और वो देखिए ना उसकी आंखें देखिए ना सर, अब उसको देखिए, अब जूम करके देखिए उसको। अब आपने बोला तो हाँ, वो देखिए ना सर, उसके बाद अगर कुछ मूवमेंट उसे नजर आएगा तो ही वो अंदर भागेगा, नहीं तो वो रिलैक्स है वहाँ पे। जो ये पेड़ों पे स्क्रैच मार्क देख रहे हैं सर, ये टाइगर का अपना एक टेरिटरी मार्किंग है, ये अपना एरिया जो मार्क कर रहा है उसके ये निशान है। ये इतनी ऊपर ये जमीन से कितना फीट? हाँ 6 फीट जितना ऊपर, इतना ऊपर चढ़ के वो मार्क कर? नहीं सर वो खड़ा होके अपने अपनी हाइट को दर्शाने के लिए भी ये ऐसा करते हैं, ताकि जो दूसरा वाला जो घुसपैठिया होगा जो भी है उसको ये पता लगे कि सामने वाला जो है वो कितना बड़ा है, क्योंकि उसकी हाइट से टाइगर की पावर का भी आइडिया लगा लेता है सामने वाला। अगर आपने टाइगर देखा, टाइगर देखने के बाद, क्योंकि टाइगर को आपकी साउंड से चिल्लाने से डिस्टरबेंस होता है, आपको चिल्लाना नहीं चाहिए, जितना आप शोर करेंगे जानवर के दिखने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। तो जंगल में बहुत शांति के साथ ही, और जो आपको पार्क प्रशासन द्वारा जो रूल्स बताए जा रहे हैं, जो गाइड्स द्वारा बताए जा रहे हैं, वो आपके भले के लिए ही हैं, ताकि आपको कुछ साइट्स हो, कुछ दिखे और आप भी सेफ रहें और जंगल भी सेफ रहे। दूसरा चीज़ है गाड़ी से उतरना नहीं है, उतरने के पीछे भी लॉजिक है कि आप सेफ्टी भी आपकी ज़रूरी है, और आप उतर गए और कहीं कुछ ऊपर वाला ना करे, ऐसा नॉर्मली वो चार्ज नहीं करता, लेकिन अगर कुछ ऐसा उसने मॉक चार्ज कर दिया और आप डर से घबराहट में कुछ गलत कदम उठा बैठे तो कैजुअल्टी होने की संभावना है। हो सकता आप तो नॉर्मल मतलब ऐसे देखने के लिए उतरे हो, उनको लगे कि यार एक्चुअली मेरे को अटैक करने अटैक के लिए। वो दिक्कत ये है ना, तो वो तो आपको अपने, क्योंकि डिफेंस तो उसको भी है ना बचाने का, अपने आप को सुरक्षा सुरक्षित रखने का उसको भी अधिकार है, जब हमें है तो उसको भी है, तो अपने प्रोटेक्शन में तो करेगा ना कुछ तो। जब भी मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो अपने काम और अपने घर को लेके बहुत पैशनेट होते हैं, तो मन करता है कि बस बातें खत्म ही ना हो। दुधवा का ये फर्स्ट ग्लिम्स और सोनू के साथ ये पहली सफारी में 3 घंटे कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। एंड आफ्टर कवरिंग अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ रूट 1, वी वर बैक एट द टूरिस्ट कैंपस। दिस इज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ ऑल द सफारीज, एंड दिस इज वेयर द गेस्ट कैन ऑल्सो स्टे ओवरनाइट। While I was hosted by the UP Tourism at their forest rest house, the tourism department and the forest corporation also have around a dozen cottages which can be booked on their website upecotourism.in. Along with the accommodation, there is also a canteen that serves simple vegetarian food and a well-maintained nature interpretation center. This is where one can learn about the history of Dudhwa and also about the local flora and fauna. There's more to Dudhwa than just the wildlife. The local tribes living in the villages in and around the forest are called Tharus. According to locals, these people migrated from Rajasthan during the Mughals' rule. An interesting facet of this tribe is that the women have an upper hand in the society as they are the decision makers. Also, they live in harmony with nature and most of their homes are built out of mud, straw and cow dung.
ये बन गई हमारी राई मिर्ची धनिए की चटनी, जिसको लोकल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं नून, कुछ लोग बोलते हैं थेचा। सो नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट। अच्छी तो है काफी, बट बाद में पता चलता है, जैसे ही जब ऊपर की तरफ और जीभ के पीछे हिट करती है ना तो पता चलता है बहुत तीखी, बट अच्छी है चावल वगैरह के साथ ना, चावल दाल उसमें थोड़ी सी मिक्स करके, आई थिंक इट वुड बी रियली गुड। मैं ज्यादा मिर्ची वाला खाता नहीं हूँ, मुझे पछता नहीं है, बट दिस वन्स गुड। लंच के बाद इट वॉज टाइम टू एक्सपीरियंस द जंगल वंस अगेन, और एक वार्म आफ्टरनून के बाद जंगल की ठंडी हवा, पक्षियों का शोर और पेड़ों की मीठी खुशबू, दैट्स द बेस्ट डिजर्ट वन कैन आस्क फॉर। और शाम के गोल्डन आवर्स में द जंगल बिकेम इवन मोर वाइब्रेंट एंड ब्यूटिफुल। जहां मैं यहां के नजारों में खोया हुआ था, सोनू वॉज अलर्ट टू ऑल द साइट्स एंड साउंड्स, बट इसके बावजूद लगता है सब जानवर हमसे शर्मा के बैठे हुए थे। और सिर्फ दो लोग जिन्होंने हमें दर्शन दिए वो थे द जंगल फाउल मतलब जंगली मुर्गा और स्पॉटेड डियर मतलब चीतल। सर जहां पे हम लोग ये एरिया में खड़े हैं, ये सतियाना एरिया है, जब दुधवा टाइगर रिजर्व नहीं था तब ये राजा महाराजाओं का शिकारगाह हुआ करता था। 1844 में दुधवा टाइगर रिजर्व के करीब में एक रियासत हुआ करती थी खैरीगढ़, वहाँ के शासक गंगाराम शाह यहाँ पे शिकार करने आए अक्सर आया करता ऐसा कहा जाता है। तो उनकी जो तो शिकार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु के बाद जब उनका दाह संस्कार किया जाता है तो उसमें एक प्रथा थी कि पति के मर जाने पर पत्नियाँ सती हो जाती थी, उनकी जो रानी थी वो सती हो गई थी। सती के नाम से ये एरिया जो आप जहाँ खड़े हैं ये सतियाना कहलाता है जी। तो सोनू भाई आपका जन्म यहीं के, आपकी पैदाइश यहीं की है, इसी एरिया की है? जी हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दुधवा टाइगर रिजर्व के आसपास ही जन्म हुआ। बचपन से, क्योंकि फादर फॉरेस्ट में थे तो बचपन से जंगल का ही शौक लगा, स्टार्टिंग ही जंगल था क्योंकि जन्म जंगल से हुआ, आसपास रहता था तो जंगल ही बचपन से, माँ बाप से भी जंगल के बारे में जंगल की कहानियाँ सुनता रहा। जब पढ़ाई लिखाई शुरू की तो शौक जंगल ही लगा, फिर एक सौभाग्य मिला मुझे क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको मनचाहा काम मिल जाता है और जो जो चाहते हैं वो मिल जाए, ऐसा मुझे मौका मिला, नेचर ने मुझे दिया और मैं अपने उसके हिसाब से यहाँ पे वर्क करने का मौका मिला और मैं एज ए नेचुरलिस्ट वर्क करने लगा। एक मेरा यादगार किस्सा है, मैं दो विदेशी मेहमानों के साथ जंगल में जा रहा था, उस दौरान मैं था, मेरा ड्राइवर था और पर्यटक थे, हम लोग जिग जैग रोड पे जब जा रहे थे राउंड पर, सामने से हम लोग को एक वाइल्ड एलिफेंट दिखा, क्योंकि इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है ज़्यादातर वाइल्ड एलिफेंट के साथ ही हैं। ऐसे रोड पे जा रहे थे, अचानक सामने एक हाथी दिखा, हम लोग ने कहा ये तो एक ही हाथी है और लूनर एलिफेंट है, चलो ऐसा करते हैं बैक करते हैं और बैक करके थोड़ा प्रॉपर सेफ डिस्टेंस से दिखाएंगे। हम लोग ने बैक किया और उससे तो डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, लेकिन ये सोचा नहीं था कि दूसरी तरफ से सामने से बड़ा ग्रुप आ जाएगा, इधर भी हाथी और इधर भी हाथी, लेकिन जो इधर का हाथी था वो सिंगल था तो वो ज़्यादा आक्रामक था। सामने बच्चे फैमिली वाले थे तो फैमिली वाले थोड़ा अपने आप को ज़्यादा सिक्योर करते हैं। हम लोग काफ़ी देर तो टेंशन में आ गए कि अब करें क्या, गेस्ट भी है और हम लोग भी हैं, सुरक्षित निकलना है, डर भी था, दहशत भी था और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी मामला था। तो हम लोगों ने तेज़ी से गाड़ी का एक्सीलेटर लेकर ड्राइवर से बोला कि भाई अब किसी तरह बचाना तो है, और ये वो तो उसने एक्सीलेटर जब दिया, एक्सीलेटर की आवाज़ से हाथी का जो ग्रुप था वो डिस्टर्ब हो गया, दाएं बाएं हो गया, साफ महसूस हो रहा था कि बस हमें वो कब हमें अटैक करेंगे, पकड़ लेगा हमें,
ऐसा बिल्कुल पास में था, तो हम उसको आट आट जितना चिल्ला सकते थे चिल्ला रहे थे। खैर ऊपर वाला है जो बचाता है, किसी तरह करके हम बाहर आए। और उसके बाद जो उसके बाद से जब एक तरफ आते दिखा तो देख लिया कि देख लिया दूसरी तरफ है, और ये सीख रहेगी कि नहीं ऐसा नहीं कि एक तरफ देख लिया है तो ये मत सोचो कि दूसरी तरफ खाली है, पहले थोड़ी देर बंद करो गाड़ी और वॉच करो कि आसपास क्या है, उसके बाद ही निकलना है। तो किधर से निकले। जब सूरज ढलने को हुआ तो वी डिसाइडेड टू हेड बैक, एंड देन ऑन वन ऑफ द टर्न सोनू हर्ड समथिंग एंड आस्क्ड द ड्राइवर टू शट द इंजन। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं, बट आई जस्ट ट्रस्टेड सोनूज गट्स। And then after a long wait, our patience was rewarded when a majestic lone tusker reveals itself from the thick foliage. बस इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। ये डाल लिया, ठीक है? थोड़े दिन तो बाद में वीडियो ना। गाड़ी स्टार्ट ही Thankfully, it was just a mock charge and we lived to tell the tale. The tusker made it quite clear that he is not looking for any company, aur isiliye humne bhi uska peecha karna theek nahi samjha and decided to call it a day. Although the trip was projected as a jeep safari, but Dudhwa turned out to be so much more than just a safari. I am a total sucker for natural landscapes and Dudhwa has plenty of them. जंगल में आने का मतलब सिर्फ टाइगर देखना नहीं, बट इट्स ऑल्सो अबाउट रिस्पेक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस द नेचर इन इट्स ट्रू फॉर्म। दुधवा इज वन ऑफ द मोस्ट डेंस फॉरेस्ट इन इंडिया एंड इट्स डेफिनेटली वर्थ अ विजिट, नॉट जस्ट फॉर वाइल्ड लाइफ बट फॉर द वाइल्ड ब्यूटी ऑफ नेचर।